बड़ी खबर लखनऊ से, शूटर संजीव जीवा हत्याकांड में लखनऊ से बड़ी खबर है। देर रात एसआईटी जांच करने पहुंची थी। एसआईटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। कल दरअसल लखनऊ कोर्ट परिसर में हुई थी हत्या, शूटर संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर यह बड़ी खबर। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी का यह शूटर, जिसे पेशी के लिए लाया गया था, और इसी दौरान यह बताया जा रहा है कि वकील की ड्रेस में शूटर वहां पर पहुंचा। हालांकि बाद में उसको पकड़ा गया है, लेकिन इससे पहले ही उसने संजीव जीवा की हत्या को अंजाम दिया। और एसआईटी की टीम जो पहुंची, इसके बाद मौका वारदात पर वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शूटर संजीव जीवा हत्याकांड में एक और बड़ी खबर है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद किया है। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई है पूरी जानकारी साथ। प्रीति, अभी तक इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चल पा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल रात में एसआईटी की जो टीम थी वो पहुंची थी और उसने पूरा घटनास्थल का मुआयना किया है। जो पिस्टल थी, जिस पिस्टल से हत्या की गई थी संजीव सक्सेना की, उस वो पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि छह गोलियां जो पिस्टल की थी वो सभी छह गोलियां संजीव जीवा को लगी थी। तो ये कोई आम आदमी का काम नहीं था, ये शार्प जैसे उसने शूटिंग की थी ऐसा लग रहा था कि वो कोई शार्प शूटर था और उसको कहीं से हायर किया गया था। और साथ ही जो रिवॉल्वर जो बरामद की गई थी पुलिस के बाद, उस रिवॉल्वर के बारे में भी जानकारी मिली है, वो मैग्नम अल्फा 0.357 बोर की थी। और उसको क्या कहते हैं, कहा गया है कि काफी खतरनाक जो पिस्टल थी वो थी, और उसकी जो गोलियां थी वो सभी जो गोलियां थी वो उसको लगी, संजीव जीवा को लगी, जिसमें से एक छोटी बच्ची जो 1.5 साल की बच्ची थी उसको भी गोली लगी थी और दो पुलिस कर्मियों को भी गोली लगी थी। ये अब तक की जानकारी है। हालांकि पीएम रिपोर्ट जो आई है संजीव जीवा की, उसमें ये पुष्टि हो गई है कि छह गोलियां जो है वो संजीव जीवा को मारी गई थी और काफी पास से वो गोलियां मारी गई थी। ऐसा नहीं कि काफी दूरी थी, काफी पास से वो गोलियां मारी गई थी, जिसके कारण छह गोलियां जो है वो संजीव जीवा को लगी थी। हालांकि पिस्टल पुलिस ने अभी बरामद कर ली है और अभी जो और जो रिपोर्ट जांच है वो अभी की जा रही है। आज सुबह भी अब कुछ ही देर में जो पूरी जो एसआईटी की टीम के साथ साथ जो पुलिस की टीम है वो भी यहां पर पहुंचेगी, क्योंकि कल। चलिए ठीक है प्रीति, तो छह गोलियां कुल मिलाकर लगी थी, और आखिर मकसद क्या था, क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अभी ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का विषय बना हुआ है। हथियार भी बरामद कर लिया गया है, जिस हथियार का इस्तेमाल हमलावर की तरफ से किया गया था संजीव जीवा की हत्या के लिए। शुक्रिया आपका।